हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ हेमा जोशी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ आलू का फेशियल शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, हर किसी की चाह होती है कि वो सुंदर और आकर्षक दिखे। काफ़ी लोगों का सोचना है कि बड़े बड़े एक्ट्रेस, पैसे वाले ही सुंदर और आकर्षक दिख सकते हैं। ऐसा नहीं है, हम भी किचन में अवेलेबल सामान से अपनी स्किन केयर कर सकते हैं। हमें स्किन केयर को अपने रूटीन में लाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊँगी आलू से हम फेशियल कैसे करें। आलू में विटामिन सी होता है काफ़ी मात्रा में, जो एक स्किन ब्राइटनिंग एजेंट है, जो हमारे विटामिन सी हमारे स्किन पर कोलेजन की मात्रा को भी बढ़ाता है और हमारे स्किन में बढ़ती उम्र के निशानों को कम करता है। तो फ्रेंड्स, चलो इसे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको स्किन केयर के लिए सबसे पहले तो सनस्क्रीन का यूज करना ज़रूरी है। आप चाहे घर हो, घर के बाहर हो या अंदर हो, आपको सनस्क्रीन लगाना ही है। काफ़ी सारे लोग होते हैं जब धूप में निकलना होता तभी ही सनस्क्रीन का यूज करते हैं, बट आप हमेशा इसे लगाइएगा, क्योंकि फोन से भी हमारी स्किन पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आप सनस्क्रीन हमेशा लगाइएगा। मैं ये एश्योर का सनस्क्रीन लगाती हूँ, बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद है। ये ऑयल फ्री है, नॉन ग्रेसी एंड लॉन्ग लास्टिंग सनस्क्रीन है। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फ्रेंड्स, इसके बाद तो फ्रेंड्स, आलू का फेशियल करने के लिए हमारा पहला इंग्रेडिएंट्स आलू ही है। आलू को मैंने अच्छे से धो लिया था, इसका पील हटा लिया है। पील हटाने के बाद मैंने इसको कद्दूकस किया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको दो भागों में डिवाइड कर दूंगी, दो हिस्से कर लूंगी इसके, और आधे का हम जूस निकाल लेंगे और आधे भाग का हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। जूस हम क्लिंजिंग, स्क्रबिंग एंड ये मसाज में यूज करेंगे, और पेस्ट को हम लास्ट में फेस पैक में यूज करेंगे। दोनों तैयार है, चलो अब फटाफट से इंग्रेडिएंट्स दिखाते हैं। जल्दी से फिर से इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। ये मैंने हाफ आलू लिया है, इसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, और ये आलू का जूस है जिसे मैंने स्क्रीच कर लिया था, और स्क्रब के लिए हमने लिया है चावल का आटा, शहद, ये पतंजलि का शहद है, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, रोज वाटर और एलोवेरा जेल। तो फ्रेंड्स, क्लिंजिंग के लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले 1 टेबलस्पून आलू का जूस डालूँगी, करीब 1 चम्मच के करीब। अब मैं इसमें ऐड करूँगी रोज वाटर, अब मैं इस कॉटन को इसमें डिप करके क्लिंजिंग कर लूँगी अच्छे से। कोई भी फेस पैक लगाने से पहले हमारा फेस क्लीन होना ज़रूरी है, नहीं तो हमारे फेस पर पिंपल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। हमें स्क्रबिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है, इसमें मैं डालूँगी वन टेबल स्पून आलू का जूस, और 1 टेबल स्पून चावल का आटा, और 1 टेबल स्पून शहद। इन सबको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। स्क्रब करने से हमारे वाइट हैंड, ब्लैक हैंड, डेड सेल सब रिमूव हो जाता है। मैं थोड़ा सा रस और यूज करूंगी, क्योंकि थोड़ा तो फ्रेंड्स, इस तरीके से स्क्रब भी कंप्लीट हो चुका है मेरा। स्क्रब सिर्फ आपको 5 मिनट करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, अब मैंने फेस को कर लिया है वॉश। अब मैं बनाऊंगी थर्ड स्टेप,
मसाज क्रीम। तो मसाज क्रीम बनाने के लिए फिर से मैं यहाँ पे आलू का रस लूँगी, इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून शहद, अपने फेस के अकॉर्डिंग, और 1/2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको मसाज करनी है। इस तरीके से मसाज करने से हमारी स्किन का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे हमारी स्किन में चमक आती है और हमारी स्किन ग्लोइंग दिखती है। तो आलू फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा है, इससे पिगमेंटेशन भी रिमूव होती है। आप बगैर फेसियल के भी आलू के रस में नींबू मिला के अपने फेस पे सुबह शाम लगा सकती हैं, आपकी झाइयों को प्रॉब्लम है तो वो भी आपको कम हो जाएगी। अब आपको दबाने हैं प्रेशर पॉइंट। कान के पीछे तो फ्रेंड्स अब लास्ट स्टेप है फेस पैक। फेस पैक के लिए लिया है मैंने यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी 1 टेबल स्पून, थोड़ा सा लिया है मैंने यहाँ पर मसूर दाल पाउडर और आलू का रस। और आलू का पेस्ट, मेरा कैमरा यहाँ पे स्किप हो चुका था, आप वो भी ऐड कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैंने फेस को कर लिया है वॉश, अब मैं लगाऊंगी ये फेस पैक। कोई नहीं, आप रफली इसे अपने फेस पर लगा सकते हैं। ये आपके फेस से पिगमेंटेशन और डार्क सर्कल, ब्लैक हेड, आँखों के नीचे काले घेरे रिमूव करेगा और कोलेजन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करेगा आपके फेस पे। अब मैं इसे 15 मिनट सूखने का वेट करूँगी और सूखने के बाद इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लूँगी। इसे सूखने के बाद आप कोई भी अपना पसंदीदा लोशन लगा सकती हैं अपने फेस पे, या फिर पतंजलि का एलोवेरा जेल लगा सकती हैं। स्किन को आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, कोई भी मॉइस्चराइजर या एलोवेरा जेल लगा के या कोकोनट ऑयल लगाना है आपको फेस पे। तो फ्रेंड्स चलो इसे सूखने का वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी घर पे ये पोटैटो फेसियल कीजिएगा, आपको मेरी स्किन कितनी ब्राइट लग रही है अभी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।